हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, कॉन्गुरेंस ऑफ ट्रायंगल्स। पहली बात तो कॉन्गुरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मींस जो चीजें हैं वो क्या हैं, सेम साइज की हैं। कॉन्गुरेंस ऑफ ट्रायंगल्स मींस क्या हो गया, दो अगर ट्रायंगल्स हैं तो वो क्या होंगी, सेम साइज की, मीन्स साइड्स भी सेम होगी और एंगल्स भी उनके सेम होंगे। तो इसमें भी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग टाइप से हम कॉन्गुरेंस प्रूव कर सकते हैं, साइड यूज करके, एंगल यूज करके। तो वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे होती हैं। फर्स्ट तो हमारे पास आती हैं दो ट्रायंगल्स, यहाँ पे बना लेते हैं पहले, उसी से हम सारे के सारे प्रूफ कर देंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, बता देंगे आपको कि क्या क्या होता है उसमें। उसके बाद आता है पी क्यू आर, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। अगर ट्रायंगल्स की हम ये वन, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड ये एंड ये एंड ये साइड, ये तीनों साइड्स इक्वल प्रूव कर देते हैं तो क्या आएगा, साइड 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 कॉन्गुरेंसी। तो उससे क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्गुरेंट हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। That means, अब congruent ये वाला जो है, इस सिंबल का मतलब क्या है, congruent होने से होगा क्या, हमें फायदा क्या होगा। अगर congruent है तो उनकी साइड जो है वो तो इक्वल होती है, और ध्यान रखना है कि अगर ये वाली साइड आप ले रहे हो तो इसकी भी ये वाली साइड लेनी है। जैसे आपने ट्राइंगल में लिखना है, जैसे ये ए बी है तो ये पी क्यू यहाँ पे है, तो ये ही इनके इक्वल आएगा। अब बी सी लूंगा तो बी सी यहाँ पे बी सी है, सेकेंड थर्ड है, तो यहां से भी क्यू आर लूंगा मैं सेकेंड थर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू आर इज इक्वल टू बी सी एंड लास्ट आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू पी आर, और इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए किसके इक्वल आएगा, एंगल पी के। उसके बाद एंगल बी आएगा एंगल क्यू के, ऐसे ही हमारा एंगल सी आ जाएगा एंगल आर के, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारे एंगल्स भी आएंगे, ठीक है। तो अब ये तो होगी एक कॉन्गुरेंसी, ठीक है, ऐसे ही आगे कितनी सारी हैं। जैसे एक है हमारी साइड एंगल साइड, मींस एक दो साइड्स जो हैं, जैसे अगर हम ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएं और इनके बीच वाला ये वाला एंगल इक्वल हो जाए तो साइड एंगल साइड कॉन्गुरेंसी। तो क्या प्रूफ हो गया, फिर से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसी तरह से एक और आ जाती है एंगल साइड एंगल। तो हमने अब क्या करा, दो एंगल प्रूव करवा दिए इक्वल, ठीक है, ये वाला ये साइड एंड ये एंगल, तो तब भी ये क्या हो जाएगी, एंगल साइड एंगल कॉन्गुरेंसी। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट हो जाएगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। और उसके बाद हमारी एक आती है एंगल एंगल साइड कॉन्गुरेंसी, तो इसमें भी सेम एंगल एंगल साइड कॉन्गुरेंसी आ गई। एक लास्ट हमारी आती है जो सिर्फ वैलिड है अगर हमें जो ट्राइंगल दिए वो राइट एंगल ट्राइंगल दी है, ठीक है, जैसे ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, तो इस पे बी पे है, इसके क्यू पे है, ठीक है, तो वो होती है आर एच एस कॉन्गुरेंसी। आर का मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, और एस है साइड, कोई भी साइड, ठीक है। तो 90 डिग्री जो एंगल बनता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है ना उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, यानी कि एच, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स, ये साइड के इक्वल होगी, ये एंगल तो इक्वल होंगे 90 90, और एक कोई भी साइड हम अगर इक्वल प्रूव करा दे तब भी वो क्या हो जाएंगी, दो ट्राइंगल्स कॉन्गुरेंट हो जाएंगी। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, बस इन्हीं कॉन्गुरेंसी के बेस पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे आगे, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। एक जो लास्ट है हमारी क्वेश्चन करने से पहले हम देख लेते हैं एंगल 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 कॉन्गुरेंसी, ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है।
ये नहीं हम लगा सकते, साइड 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 कॉन्गुरेंसी है लेकिन एंगल 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 कॉन्गुरेंसी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो उसमें उसने पूछा है, कहता कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, तो वो हम ढूंढते हैं, पढ़ते हैं। पहले पहले स्टेटमेंट हमें दी हुई है, कहता टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम एरिया आर कॉन्गुरेंट, तो दो ट्राइंगल्स का एरिया सेम है तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्गुरेंट है कि नहीं है, क्या पता उनकी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, एरिया सिमिलर होने से, सेम होने से नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने यहां पे ये स्टेटमेंट दी होती कि टू ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी भी एक चीज होती है, वो शायद आपको नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास नाइन्थ क्लास में आएगी, तो आपको तब ज्यादा क्लैरिटी होगी, तो अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन याद रख लो, अगर टू सिमिलर ट्राइंगल्स विद सेम एरिया आ जाता है तो वो कॉन्ग्रेट है। अगर आ रहा है सिर्फ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम एरिया, वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारी होगी इनकरेक्ट। उसके बाद अगर फर्स्ट होगी तो दैट डजंट मीन कि फर्स्ट ही आंसर होगा, हम आगे भी बढ़ने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट कहता है, कहता है इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स उसकी सेम साइड्स के, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सेम है ना तो जो ए बी साइड है वो पी क्यू के ही इक्वल होगी, जैसे ट्राइंगल्स के नाम दिए होंगे वैसे ही होगी। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट में जाएं तो आप कुछ कहेंगे कि नहीं ये सिमिलर कॉन्ग्रेंट हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्यों, कंडीशन क्या है, यहां पे दिया हुआ है दो साइड्स और एक एंगल, दैट मींस अगर हमारी कॉन्ग्रेंसी बनती भी है तो साइड एंगल साइड की बनेगी, राइट, और कोई तो बन नहीं सकती है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड की कंडीशन क्या है, दो साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, जो दो साइड्स हम ले रहे हैं ना उनके जो बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल इक्वल होना चाहिए, और कोई एंगल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया स्टेटमेंट में, दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे जाने को कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम लास्ट देखें उसका डी ऑप्शन, उसने बोला ऑल ऑफ दीज, तो दो अगर गलत हो गए तो थर्ड भी गलत ही होगा, थर्ड कैसे सही हो सकता है, ठीक है, तो थर्ड भी हम पढ़ लेते। लेकिन एक बार कहता इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल थे तो आर भी आ गया, लेकिन हमारा एस तो मिसिंग रह गया ना, एस तो उसने बोला ही नहीं कि एक साइड भी इक्वल है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट हो ही नहीं सकती, इसलिए ये भी रॉन्ग है, तो थर्ड भी हमारा रॉन्ग ही था, इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, तो इसकी ऑडियो आई डोंट नो कैसे मिसिंग थी, तो कोई बात नहीं मैं अभी बताता हूं आपको। इसमें उसने एक ट्राइंगल दी हुई थी जो कि है ए बी सी ट्राइंगल, वो ट्राइंगल कौन सी है, आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है, तो आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी जो दो साइड्स इक्वल दी होती है ना, जैसे इसमें उसने दी थी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल बी, तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ये आइसोसेलस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या दिया, उसका एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जस्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है अभी। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एक तो जो एंगल से आ रहा है ना उसको टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो दैट मींस वो ए से आ रहा है तो ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो उसके भी एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी वीडियो में लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए और दोनों को ए ले लूंगा, ठीक है। अब तो जो एंगल बाइसेक्टर जिस साइड के ऊपर आके गिरता है, जैसे वो बीसी के ऊपर आया है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उनकी रेशियो और जो दो ऑपोजिट साइड बची ए बी और ए सी उनकी रेशियो इक्वल कर देता है, ये प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, ये थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको बड़ी क्लासेस में आएगी, ठीक है। तो वो इक्वल कर देता है, सॉरी, तो वो इक्वल कर देता है उनको, ठीक है, तो हमारा ए बी और ए सी की रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो वो तो वन नहीं आएगी, क्योंकि वो तो दोनों ऑलरेडी इक्वल है, अगर एक सिक्स है तो दूसरी भी सिक्स है, और सिक्स से सिक्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, सिक्स बाय सिक्स कट जाएगा, तो हमारा बी डी ओवर डी सी किसके इक्वल आ गया, वन के, तो इससे हमें क्या मिल गया, बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो हमारी जहां पे मैंने दो टिक लगाए हैं तो बी डी इज इक्वल टू डी सी भी हो गया हमारा, ठीक है, तो ये साइड्स भी हमारी इक्वल आ गई। अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे, वैसे तो हमें पता चल जाना चाहिए भाई डी ऑप्शन सही है आंसर, क्योंकि उसने पूछा किससे हम नहीं कॉन्ग्रेंट बना सकते, इसको ट्रिपल ऐसे नहीं बना सकते, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बाकी सारी एग्जिस्ट करती हैं, कैसे, ये देखो ए बी, अगर हम ट्राइंगल जाए ए बी डी एंड ए डी सी,
तो ए बी एक साइड इक्वल होगी, एक बी डी साइड इक्वल होगी और एक ए डी कॉमन आ गई, तो ये एस 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 तो बन रहा है। फिर एंगल साइड एंगल भी बन रहा है और एंगल एंगल साइड भी बन रहा है, ठीक है, सिर्फ ट्रिपल ए ही नहीं बन सकता। तो हमारा ऑप्शन का आंसर, मतलब इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ट्रिपल ए कॉन्गुरेंसी इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, उसमें हमें क्या दिया है, पहले तो ये फिगर बनाई हुई थी उसने, उसके बाद उसने हमें क्या दिया था, कहता पी ए है जो प्रपेंडिकुलर है ए बी पे और क्यू बी भी जो प्रपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। तो प्रपेंडिकुलर थे 90 डिग्री के एंगल्स भी उसने दिए हुए थे, उसके बाद उसने हमें कॉन्गुरेंस भी दे दिए वो, ठीक है, कहता ओ ए पी एंड ओ बी क्यू ये दोनों क्या है, कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल्स। तो उसके बाद पूछ रहा है हमारे से ये ऑप्शन, कहता इनमें से कौन सा करेक्ट है, पढ़ते हैं। पी ए इज इक्वल टू ओ बी, यहाँ पे पी ए है कोई, ए पी पी ए एक ही बात है, ठीक है, पी ए किसके इक्वल होनी चाहिए, क्यू बी के, लेकिन यहाँ पे तो ओ बी दिया, तो ये तो हो गया रॉन्ग। मैंने बोला था ये दोनों सेम, जैसे यहां पे लिखे हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, ये भी सेकंड थर्ड वाले ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। तो एपी और क्यूबी यहां पे दिया हुआ है, तो ये दो, ये हमारा राइट आंसर है। आगे वाले भी हम पढ़ लेते हैं, ये देखो ये दो दिया ना, ओपी एंड ओ क्यू आना चाहिए था, यहां पर बी क्यू दिया है, तो ये तो वैसे ही गलत है। तीन साइड दिए, ओ ए इज इक्वल टू, सॉरी ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू दिया होगा, यहां पर मैंने तीन लिख दिए, हाँ, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है, इसमें वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी जो कि है आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, और कहता है ए बी एंड बी सी जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ए बी एंड ए सी इक्वल है, दैट मीन्स इसके जो ऑपोजिट एंगल हो गए बी और सी इक्वल होगा, ठीक है, एंगल बी एंड एंगल सी भी इक्वल होंगे। अब ए और बी इक्वल है, उसके बाद कहता है ई एंड एफ जो है मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट कहां पे होता है, बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर से फिर ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, ए एफ एंड बी एफ किसके दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही सेम ये भी, ये दोनों तो साइड यहां पर, ये भी लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी बी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सेम ये ए ई इज इक्वल टू ई सी, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये चारों ही आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो अगर चारों आपस में इक्वल हो गए तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद वो लास्ट में क्या पूछ रहा है, कहता बी जो ई है ये वाली साइड है वो किसके इक्वल आएगी, उसके बाद कुछ ऑप्शंस दिए हैं उसने, लेकिन हम इसको पहले क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं कि वो किसके इक्वल आएगी हमारी, ठीक है। हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करवाते हैं इसको, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगी हमारी तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बी ई फाइन करना है ना किसके इक्वल है, तो उससे पहले हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करवाना है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग ट्राइंगल्स बना लेंगे इसमें। तो पहले हमने बनानी है बी ई और सी वाली, है ना, तो ये हम बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, बी ई एंड सी, और दूसरी वाली जो हमारी ट्राइंगल है वो है ऐसे करके बी सी एंड एफ। अब क्या होगा, इससे हमारी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी ज्यादा, और क्या, ये देखो ये साइड्स क्या है, कॉमन, तो ये तो होगी इक्वल, ठीक है, लिख सकते हो आप साइड में कॉमन। उसके बाद हमने एंगल भी प्रूफ करवाए थे, यहां पे देखो बी और सी, तो बी एंड सी जो है वो एंगल्स भी आ रहे हैं हमारे पास, तो हम एंगल्स भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला सी एंगल है जो इसके बी के इक्वल होगा, वो कैसे, क्योंकि अगर हम इस फिगर में देखें
तो अगर हम बी ई सी ले रहे हैं तो सी ये वाला कंप्लीट आ रहा है और यहां से ये वाला बी कंप्लीट आ रहा है, तो हमने उस हिसाब से ट्राइंगल बनाई है तो उस हिसाब से उनको लिखेंगे भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या आ रही है, ये वाली ई सी, ये रही किसके इक्वल है, एफ बी या बी एफ के, ठीक है। तो हमारी जो ई सी है वो इक्वल आ गई एफ बी के, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड होगी हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी है तो हमें क्या फाइन करना था, बी ई, तो वो हम देख लेते हैं। बी ई किसके इक्वल आ रहा है, बी ई किसके इक्वल आ रहा है, एफ सी के या सी एफ के, ठीक है, क्योंकि नीचे से शुरू हो रहे हैं तो इसको भी नीचे से शुरू करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा है, ए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने आपने सिर्फ इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना और कुछ नहीं करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बाकी अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, वो कहता कि ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवानी है किसके साथ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के साथ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करके। और उसने हमें एंगल एक इक्वल दे दिया, तो अब हमें दिमाग में हमारे क्या आना चाहिए, ठीक है, हम ऑप्शंस भी देख रहे हैं तो अगर जल्दी जल्दी प्रूफ करने हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपके जल्दी जल्दी आंसर आएंगे, अदरवाइज आप टाइम में ही फंस जाओगे, ठीक है, टाइम ही नहीं आपको मिलेगा कि इतना इतना टाइम तो वहां पे मिलता भी नहीं है। तो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं ना, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, अब हमें यहां से पता चल रहा है कि हमें दो साइड्स इक्वल चाहिए, तो यहां पे ऑप्शन तो एक एक साइड वाला दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आंखें बंद करके डी पे लगा देंगे, हमें पता हमें दो साइड्स चाहिए ही चाहिए, हमें दो साइड चाहिए, यहां पे तो सिर्फ एक साइड दी है ना, एक साइड दूसरी ट्राइंगल के एक ट्राइंगल की साइड दूसरी ट्राइंगल की साइड के इक्वल है, तो ये तो एक चीज हुई, हमें तो दो चाहिए ना, दो कम से कम दो चाहिए। तो दो चाहिए उसके लिए हमें एक ये और ये, एक ये और ये, कोई भी हो सकती है, डजंट मैटर, हमें पता है कि आंसर यही लगाना है। वो हमने थ्योरी में नहीं कर रहे, हम एग्जाम नहीं देने जा रहे, हम सिर्फ क्या कहते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने, तो एमसीक्यू में ऑप्शन पे टिक लगा होगा तो वो आंसर सही होगा, कोई भी आपका क्या आपने करा कैसे सॉल्व करा कोई भी नहीं आपका देखेगा ये वाला चीज। तो सीधा आपने डी पे टिक लगा देना, क्योंकि बहुत बी एंड सी वहां पे लिखा हुआ, दैट मीन्स हमें टू साइड्स कहीं किसी से भी चाहिए, तो वो बहुत डी एंड बी एंड सी से ही आएगा। अगर यहाँ पे कॉमा डाल के एक और दिया होता कि ये दो साइड्स भी इक्वल है, तब हम शायद सोचते भी, तब हम सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते और देखते भी, अब देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ही हम डी पे लगा देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने जो क्वेश्चन पे अप्रोच करना, अप्रोच जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो बेसिकली ये होनी चाहिए कि हमने इजी वे में करना है, फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश करनी है। तो आंसर्स को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ऑप्शंस जरूर पहले पढ़ा करो, सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं, ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चाहिए हमें बेसिकली, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, उसमें वो पूछ रहा है कि हम क्या प्रॉपर्टी यूज करें जिससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट दी हुई है उसने ऑलरेडी, कहता लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी के साथ ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करी गई है। तो यहां से अगर हम देखें, अगर ऐसे करके आपको दिया है ना, एक लाइन यहां पे डाली है एंगल की, एक लाइन यहां पे, तो दैट मीन्स ये और ये एंगल इक्वल है। उसके बाद अगर लाइन यहां पे एक है, अगर यहां पे दो लाइनें डाल देता तो ये दो साइड्स, ये वाली साइड्स इक्वल है और ये वाली साइड्स इक्वल है, लेकिन यहां पे उसने दो एंगल पे, एंगल पे दो लाइनें डाली, दैट मींस ये एंगल, एंगल वाई एंड एंगल क्यू इक्वल है, एंगल एक्स एंड एंगल पी इक्वल है, एक्स वाई एंड पी क्यू इक्वल है। तो ये अगर हम यहां से शुरू करें तो ये बनती है एंगल साइड एंगल, ठीक है, यही बनती है ना कॉन्ग्रुएंसी। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ हमें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एंगल, सॉरी ऑप्शन क्या आएगा हमारा, डी राइट आंसर, क्योंकि नन ऑफ दीज आएगा, इसमें तो कोई आंसर दिया ही नहीं हुआ, इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो हमारा ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, जिसमें वो पूछ रहा है ओ बी एंड डी, ये वाला एंगल कहता किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू फाइंड करके दो हमें। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल नहीं होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो लाइनें आपस में कट रही हैं और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो हम इसका सम फाइन करें, अगर इन दोनों का सम यहां से फाइन कर लेते हैं, दोनों का सम फाइन करें, 60 प्लस 20 कितना होता है, 80, और ये क्या एक ट्राइंगल नहीं बन रही है, तो ट्राइंगल बन रही है, दैट मीन्स ये वाला एंगल माइनस ये दो ये वाला एंगल ओ बी डी किसके इक्वल आएगा, 180 माइनस उन दोनों का सम, उन दोनों का सम ने क्या निकाला, 80 डिग्री, तो ये एंगल किसके इक्वल आ गया,
100 डिग्री का, ठीक है, जो कि यहाँ जो कि हमारा ऑप्शन है ए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, एंगल की प्रॉपर्टीज, सब कुछ यूज होगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें उसने कॉन्ग्रुएंट पहले से दिया हुआ है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट पहले से दिया है तो वो तो और भी ज्यादा ईजी हो गया। हमें कहता है एंगल बी और पी क्यू किसके इक्वल आएंगे, एंगल बी हम देख लेते हैं ए में, ये ए बी सी ट्राइंगल में बी सेंटर में आ रहा है, यहाँ पे कौन सेंटर में आ रहा है, आर सेंटर में आ रहा है, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, ऑब्वियसली और किसी के इक्वल तो हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। और उसके बाद कहता कि जो पी क्यू है, पी क्यू ये वाली साइड ए सी के इक्वल होगी ना, जैसे उसने उसमें लिखे हैं ट्राइंगल्स वैसे ही हमने साइड्स भी वैसे ही लेनी है बिल्कुल, ठीक है, जैसे वो साइड ले रहा है वैसे ही साइड लेनी है, डिफरेंट हम नहीं कर सकते अपनी तरफ से, किसी से भी साइड से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो ये बी सी ले रहा है तो हम आर क्यू के इक्वल करेंगे, अगर वो ए सी ले रहा है तो पी क्यू के, ए बी ले रहा है तो पी आर के, ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसमें उसने क्या दिया, कहता है ए बी इज इक्वल टू ए डी, जो ए बी है हम लगा लेते हैं ए डी के इक्वल है, इसे इक्वल है, ठीक है। उसके बाद कहता है सी बी, सी बी किसके इक्वल है, सी डी के, इसके इक्वल है। तो कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम देखें तो ये साइड कॉमन नहीं आ रही दोनों में, दोनों ट्राइंगल्स अगर हम बनाएं, ये देखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी, ए डी सी, ए सी ए सी, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स ये जो अगर हम ए सी इज इक्वल टू ए सी भी प्रूव कर दे तो हमारी क्या हो जाएगी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही बन जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स ये तो सही है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स भी तो इक्वली होंगे ना, एंगल्स थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगे, एंगल्स भी तो इक्वल आ गए अपन ऑटोमेटिकली। तो अगर एंगल्स इक्वल आ गए तो यहाँ पे भी तो वही बात कर रहा है ना, बी सी ए, बी सी ए मतलब सी बी सी ए है जो, यहां से अगर हम देखें यहाँ पे ट्राइंगल ये रही, ठीक है, बी सी ए डी सी ए, ठीक है, सही बोल, बिल्कुल सही है वो, डी सी ए एंड बी सी ए, तो ये एंगल भी इक्वल हो गए, तो हमारे दो ऑप्शन प्रूव हो गए सही, तो थर्ड तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका आंसर डी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि ये ट्राइंगल्स बनाई हुई है उसने, कहता ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इनमें से कौन सा वाला सही है। हम देखें यहां से ए ओ, ए ओ ओ ए जो भी है, ठीक है, ये तो सही है, ओ बी इनमें से शायद उसने फिर अगर तो करेक्ट वाला पूछा है तो ये करेक्ट है हमारा, अगर उसने रॉन्ग वाला पूछा है तो फिर रॉन्ग वाला देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो ये भी सही है, दैट मीन्स उसने रॉन्ग वाला पूछा था हमारे से, पी ओ बी ओ, पी ओ और बी ओ ये तो तीन, ये फर्स्ट पे है ये सेकंड पे है, ये दोनों इकट्ठे ही है फर्स्ट सेकंड पे, तो ये फर्स्ट पे और ये थर्ड पे है, ये फर्स्ट सेकंड पे है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे लास्ट भी देख लेते हैं हम, ए पी ओ, ए पी ओ बी क्यू ओ, तो ये भी सही है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है इसमें, वैसे तो वो रॉन्ग है लेकिन हमने सी टिक करके आना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 11th क्वेश्चन, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जो ये ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करी हैं, अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कॉन्ग्रुएंट वैसे दी हुई है, तो कहता है किस प्रॉपर्टी के साथ करेंगे, तो हम देख लेते हैं। ये देखो ये एंगल उसने 65 डिग्री दिया है, यहां पे भी एक एंगल दिया होगा, अगर कॉन्ग्रुएंट दिए है तो एक्स एंगल है वो पी के इक्वल होगा, दैट मीन्स ये भी 65 डिग्री होगा, मैं बनाना भूल गया, ठीक है। तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी होगा, तो एंगल हम प्रॉपर्टी अगर उसने जो गिवन करी है हमें, जो उसने गिवन करी हुई थी ऑलरेडी, तो ये और ये इक्वल नहीं हो जाएंगे आपस में, क्योंकि इनका तो हमें रिलेशन ही नहीं पता है ना कोई भी, इनका हमें रिलेशन कोई नहीं पता, लेकिन ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल ही होते हैं ना, अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी नहीं आ गई हमारी, अगर हमारी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी आ जाती है तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाता है इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है वो ये वाला है, तो इसमें उसने पूछा है कि ये जो ट्राइंगल ए बी ई है, ये वाली ए बी एन ई, कहता किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो तीन चीजें जो गिवन है उसी हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें हम, ये जो ट्राइंगल है ए बी ई, या तो इसके इक्वल हो सकती है या इसके इक्वल हो सकती है, ठीक है, या इसके भी इक्वल हो सकती है ए ई डी के भी, ठीक है। तो हम एक एक करके ट्राइंगल्स लेते हैं और उनको प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ए ई है वो तो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, एंगल भी 90-90 के आ जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। उसके बाद कोई साइड नहीं हमारे पास आ पाएगी, क्योंकि ये और ये तीन आपस में इक्वल दिए हैं, तो ये दो साइड्स आ गई, ये साइड अलग होगी, इसका हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो हम इसको भी नहीं छेड़ सकते। तो ये ट्रायंगल तो हम कर देंगे कैंसिल, मैं मींस ये वाली इसके साथ नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं सी डी एफ या सी एफ डी कोई भी, ठीक है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, सी एफ और ए ई मुझे ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, तो दैट मींस मेरे पास दो चीजें तो होगी, एक एंगल हो गया, एक साइड होगी। अब एक में को या तो एंगल चाहिए या साइड चाहिए, एंगल तो कहां से भी मैं लेके नहीं आ सकता, लेकिन मैं साइड लेके आ सकता हूं यहां पे, वो कैसे, अगर हम देखें यहां पे, ये देखो जो बी एफ और एफ ई है वो इक्वल है ना, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, अगर मान लो ये थ्री है ये भी थ्री है, तो ये कितना बन जाएगा, टोटल सिक्स बनेगा ना, ये थ्री है ये भी थ्री है ये भी थ्री है, ठीक है, इक्वल है, तो कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं, तो मैंने वैल्यू ले ली टोटल थ्री थ्री वाली, तो ये टोटल बन गया सिक्स। उसके बाद ये सी एफ डी में भी आ रहे हैं एफ ई एंड ई डी, तो ये भी तो प्लस करके एफ ई इज इक्वल टू ई डी, तो ये भी तो प्लस करके सिक्स ही बनेंगे, तो ये साइड भी इक्वल आ गई इसकी, तो दैट मीन्स मेरे पास तीन साइड इक्वल आ गई, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, ए बी ई ट्राई एंगल सी एफ डी के, ठीक है, सी एफ डी के, नहीं सी एफ डी नहीं बनेगा, क्योंकि सी एफ और ए ई इक्वल है, तो दैट मीन सी जो एफ है वो लास्ट में आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने ट्राइंगल लिख दी सी डी एफ, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है। उसके बाद हम उसने पूछा, कहता है ट्राइंगल जो एंगल है बी ए ई, बी ए ई ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, हमारे यहां यहां से ही ट्राइंगल हमने प्रूव करवाई ना कॉन्ग्रुएंट, तो यही से हम लेते हैं बी ए ई डी सी एफ, तो लिख दो यहां पे डी सी एफ, जो कि हमारा ऑप्शन है डी, ठीक है। तो यहां तक हमारे 13th क्वेश्चन होते हैं, तो जो बाकी का क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक आप अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हमारा पार्ट वन खत्म होता है, तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट पार्ट टू में मिलेंगे बाकी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।